तो अभी एक लैपटॉप आया है HP का, और इसका एक्चुअल मॉडल नंबर जो है HP कॉम्पैक्ट 610 610। तो इसका प्रॉब्लम जो है, ये थोड़ा लाइट आ रहा है पावर का, फिर बंद हो जा रहा है। तो मैंने बोर्ड को ओपन किया, ओपन करके देखा कि तीन पाँच प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा। तो इसका प्रॉब्लम जो होता है, इसका तीन पाँच IC मतलब स्टेप डाउन IC में दिक्कत होता है। तो प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, तो चलो एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। देखिए ये है मदरबोर्ड, और देखिए पार्ट नंबर तो ये यहाँ पे लिखा, तो पार्ट नंबर कॉम्पैक्ट 610। ओके, तो इसको साइड कर देता हूँ। और ये रहा इसका मदरबोर्ड, और देखिए मदरबोर्ड ये कॉमन मदरबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ IC रखा है, देखिए ये देख लीजिए। और इसका 3-5 का जो कॉयल है, यहाँ पे देखो ये 3-5 का कॉयल है, गौर से देखिएगा, ये 3 और 5 का कॉयल है। तो इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। जब भी बन रहा है तो ये ऑन हो जाएगा, दिक्कत कोई भी नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इसका दिक्कत। तो इसमें प्रॉब्लम जो होता है, अगर ऐसा टाइप का कोई भी लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि 3-5 बन नहीं बन रहा है, तो आपको जो करना है, सीधी बात नो बकवास, यहाँ पे 3 स्टेप डाउन IC है। कोई भी लैपटॉप में अगर कॉइल पे वोल्टेज नहीं है तो आपको चेक करना चाहिए 3-5 IC को। तो 3-5 IC में ही दिक्कत होता है, इसी वजह से 3-5 नहीं बनता है। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो 3-5 IC है मेरे पास अभी अवेलेबल है, और इसको अभी यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, और देखते रहो क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे, देखो 3-5 IC है मेरा, इसका पार्ट नंबर जो ये है यहाँ पे 51125। ओके, तो यहाँ पे जो IC है, इस IC को कैसे रिमूव करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, तो अच्छे तरीके से प्रॉपर हीट नहीं होगा वो IC रिलीज नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी तो नॉर्मली बारिश का टाइम है, और बारिश का टाइम में ज़्यादातर लैपटॉप वगैरह ज़्यादा होता है, इसलिए वोल्टेज कुछ अपडाउन होता है, और इसी वजह से मदरबोर्ड देखो पूरा IC जो है ये बाहर आ गया है। ओके, और अभी यहाँ पे राइट IC को रिप्लेस करेंगे। ओके, तभी देखो खराब जो IC यहाँ पे, और ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट करने से पहले इसका जो लॉक होता है ना, जो नंबर 1 पिन या 2 पिन, जो नंबर को काउंट अच्छी तरीके से करना, अगर गलत हो गया तो IC खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो IC प्रॉपर तरीके से बैठ गया है, अभी इसको ठंडा होने देंगे, फिर चेक करेंगे। ओके, तो लैपटॉप जो है पूरा बन गया है, डिस्प्ले आ गया है, तो देख सकते हो। अभी इसको ट्रिगर करेंगे, देखो इसका ऑन कर रहा हूँ, इसको फैन भी घूम रहा है, और देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। इसका जो प्रॉब्लम था डेड कंडीशन, यहाँ पे 3-5 का दिक्कत था, ये 100% प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर हो गए, और आप कस्टमर इस प्रॉब्लम है, उनसे कॉन्टैक्ट करें, वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका रिपोर्ट, बाय।